हाँ भाई क्या भैया वेलकम टू एन एपिसोड ऑफ आस गंजी स्वैग एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल रिस्पॉन्स सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। लोग तो कहते हैं जी घंटों घंटों की बनाए क्योंकि हम बर्तन धोते हुए सुनती हैं कोई कह रहा है हम ड्राइविंग करते हुए सुनते हैं कोई कहता है जी मैं फला कौन सी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते भी सुन रहे होते हैं खैर श्योर मैन वाई नॉट और थैंक यू सो मच बाकी ये कि uh, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और पेट्री ऑम पे आप सपोर्ट कर सकते हैं पेट्री ऑम डॉट कॉम स्लर्च करें इस फैक्ट पिछले एपिसोड के बाद काफ़ी लोगों के uh, ये मैसेजेस आए कि एडिटर की ये जो कैमरे के पीछे खड़ा है इसकी बड़ी टेकिंग की जाती है और uh, बेचारा है मासूम है घंटा है ये कोई मासूम भाई तेरे को कोई मसला है क्या अगर मैं कुछ बोलता हूँ भाई अगर है तो दो लफ्ज़ हैं निकल पहली फुर्सत में निकल <laughs> so Sawal, Salaam uh, It's been four and a half years since my marriage uh, wedding, and I've been happily married. Alhamdulillah. We have a three-year-old toddler. We had a child after two years of her marriage, and after my child, my physical relationship with my husband went through, went down through a roller coaster. My child is a very difficult one. He's not a one-person job. Moreover, I'm living in Saudi, so we don't have any help. Uh, around us from house chores to handling a baby all night as he doesn't sleep properly and all day alone i'm always tired and couldn't be ab couldn't able to fulfill my husband's desires i try my best but it's natural and i put him off most of the time additionally my husband's job is very demanding he has to be available 24/7 due to this he also gets exhausted so he couldn't help me when it comes to handling her baby and I'm left alone to look after him because of this we've lost the spark in our physical relationship that we used to have our, uh, before our baby I really want to know how can I bring back the excitement in our relationship that was once present considering uh, that we can't take much help from our parents because when we are in our parents home there is no privacy and we are burdened with a lot of other family issues in both the cases and in both the houses we've tried to take help by keeping a maid but then it goes really expensive and we can't afford that much I've also Try to do one thing at a time when it comes to house chores, but it's not just about chores, it's about a boy who takes the whole attention, strength, and time, and we are left tired and dull. I decided to put him in a preschool, but due to COVID, schools are not opening for toddlers either. After not finding any help or useful advice from anywhere, I came to you. Maybe you can give me some tips and can help us in improving our relationship. People often say spend some me time. बट हाउ इज़ इट पॉसिबल टू हैव अम इन इट विन माई लाइफ विन माई लिटल वन इज ऑल द टाइम अराउंड मी सो बेसिकली ये मेल uh, जो आई है सऊदी से सो so बेसिकली uh, uh, ये कपल है जिनकी चार साल पहले शादी हुई है इनका बच्चा हुआ है और बच्चे के बाद से जो है उनकी फिजिकल रिलेशनशिप uh, इतनी एक्साइटिंग uh, नहीं है एज इट यूज टू भी क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे बड़े डिमांडिंग होते हैं देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ई मेल में ना यूर कमिंग अक्रॉस एज यज एफ आप अपने बच्चे को ना शिकायत कर रही हैं उसकी मतलब लाइक यू नो बच्चे तो नेमत होते हैं और बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चे बहुत डिमांडिंग होते हैं डैट्स वाई जैसे आसान नहीं है बच्चे पैदा करना लाइक बच्चे वो अमल बड़ा आसान है मगर उसको मेंटेन करना एक तो प्रेगनेंसी और फिर उसके बाद जो आफ्टर बर्थ के जो मामलात होते हैं आई ऑल्सो अ टॉडलर एंड यू नो अप्स एंड डाउन हो जाते हैं एंड इट इट इज़ इन डीड बेबीज़ आर वेरी डिमांडिंग उनका कोई अलार्म नहीं होता उनको कोई क्लॉक नहीं होती उनकी मूड स्विंग्स होते हैं रोना धोना होता है और बहुत सारी चीज़ों में हैम्पर करता है और फिर ज़ाहिर आप बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते और ख़ास तौर पर अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं तो ज़ाहिर है इट्स वेरी कॉस्टली पाकिस्तान जो लोग कहते हैं यार पाकिस्तान की लाइफ बड़ी अच्छी है वो इसलिए तो कहते हैं यहाँ पे आपको पाँच पाँच हज़ार में बच्चे मिल जाते हैं आपके बच्चों को पालने के लिए मे आम नॉट जस्टिफाइंग दैट बाय द वे चाइल्ड uh, लेबर है मगर यहाँ आपको हाउस हेल्प बड़े सस्ते में और पूरे पूरे दिन के लिए और माएँ बच्चों के उसके बाद छोड़ के जी अपनी किटी पार्टीज़ और कॉफ़ीज़ और स्टेक्स और शीशे सब चल रहा होता है एनी वे इट्स क्वाइट नेचुरल फॉर फिजिकल एक्साइटमेंट टू लाइक यू नो थोड़ा डिमिनिश हो जाती है वो इकोनॉमिक्स में एक है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू तो so, वो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ कोई भी चीज़ हो नॉट जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप एनी थिंग वो वक्त के साथ साथ थोड़ी 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 कम होती रहती है विच इज़ वाई देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वन कैन एक्सपेरिमेंट विद लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट अपने अपने कॉन्फिडांस में आई एम श्योर आपने दूसरों को भी रीच आउट किया होगा बिफोर यू रीच आउट टू मी बट इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स हु हैजू हैज हु हैव बिन थ्रू दिस आपकी फैमिली में आपकी कोई बड़ी कज़न्स यू नो या फिर खातन के बड़े ग्रुप्स फेसबुक uh, पे हैं मगर वही वाली बातें फिर जितने मुँह उतनी बातें वो फिर मज़ीद कन्फ्यूज़ भी कर देती हैं अक्सर अवत uh, मगर ट्राई करके देखें कि उन्होंने कैसे किया था बच्चा अगर सोता नहीं है तो वो बच कौन सी दवाई होती है नाइट नाइट ऑल होती है पता नहीं क्या वो बच्चों को पिला दें मतलब आराम से सो जाते हैं अगेन मैं कोई दवाई नहीं रेकमेंड कर रहा मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो इस तरह भी होता है मैं जब बच्चा था मैं बहुत रोता था तो यू नो पता नहीं मुझे अम्मी कौन सी दवाई पिलाती थी सो so, मैं सोता रहता था लंबा अगेन आई एम नॉट इंडोर्सिंग के नशे कराएं बच्चों को अभी बच्चा ही है उसको लगा दिया आपने दवाइयों में रही बात एक्साइटमेंट की देखें इसमें जो है ना सबसे बड़ा मसला जो जो देसी फैमिलीज़ में होता है एक तो आपने जो प्राइवेसी वाली बात की ये वाली बात मैं कितनी दूसरी वीडियोस में भी कर चुका हूँ कि हम चूंकि एक जॉइंट फैमिली में रहने की हमें आदत है और हमें वो होता है मैम नॉट इंडोरसिंग के बड़े हो गए तो पेरेंट्स को छोड़ दो मगर Uh, जो है ना वो जैसे परिंदे अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं और फिर कहते हैं बेटा खुद ही दाना ढूंढ के लाओ हम चूंकि अपने बच्चों को इंश्योरेंस पॉलिसी बनाते हैं ये हमारे बुढ़ापे का सहारा है तो हम चुपक के रहते हैं उनके साथ हम उनको उनकी आज़ादी नहीं देते राइट right? फिर जितनी इंटरफेरेंस होती है घर में उतनी चिकचिक -चिक होती है और स्पेशली वैन इट कम्स टू योर बेडरूम हर घर बड़े नहीं होते भाई वो वो कौन सा है वो राश राशि राशि है ना उतने बड़े बड़े बंगले नहीं होते भाई इंडिया पाकिस्तान में लोगों के छोटे छोटे घर होते हैं छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं आवाज़ जाती है मेरे दोस्त जब शादी करके बेगम को घर लाया था तो वो कमरे मिले हुए थे तो उसने मौला मेरे मौला तेज़ लगा दिया था रिपीट में नौ बार चला था तो ये सब करने पड़ते हैं या ने, ने, नेशनल जोग्राफिक वो अगले भी सोच रहे भाई पता नहीं है क्यों डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं रात को इस टाइम है तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं अब उसमें जाहिर है आप यू यू कॉन्ट भी फिजिकली एक्सप्रेसिव यू कॉन्ट भी वोकली एक्सप्रेसिव जाहिर आपने फिल्में देखी हुई हैं आपने जाहिर वो वाला करना है एक्शन लेकिन यहाँ पे तो अब म्यूट के आ जाएंगे है बेटा क्या हुआ सांस नहीं आ रही कोई दमे का अटैक तो नहीं हो गया अरे भाई वहाँ पे कुछ चल रहा है मामला उधर आंटी आगे पीछे हो जाए तो ये बड़े मसले हैं भाई घर इतने करीब करीब हैं तो वो नहीं कर पाते बड़े मसले हो जाते हैं सो so, ठीक है वो वाला ऑप्शन तो नहीं है कि दोनों के घरों में प्राइवेसी नहीं है प्राइवेसी बहुत बड़ा फैक्टर है यार दूसरी चीज़ यह कि देखें हम जो है ना कम्यूनिकेट नहीं करते Uh, वैसे एक तो बिकॉज ऑफ पॉन्ड ठीक है ना चूँकि मर्द ज़्यादा कंज्यूम करते हैं स्टेटिस्टिकली बात करो खीन भी करती हैं एम नॉट डिनाइंग वो नहीं करती uh, मगर ये कि वो ज़ाहिर है उनका जो है ना एक वो बन गया है कि यार ऐसे होता है राइट right? तो फिर उनकी बिकॉज मेंटल वायरिंग क्योंकि तेरह साल की उम्र से जो वी ए वी सी आर में देखी थी और उस वक्त से अब तक जो देखते हुए आ रहे हैं मतलब वी सी आर फिर सी डी फिर डी वी डी फिर वो रियल मीडिया प्लेयर पे डाउनलोड डाउनलोड नहीं हो रही पूरी पूरी रात चार चालीस सेकंड का क्लिप पूरी रात लगाई काज़ा पे यू you नो know, ये वाले स्टेजेस से जब बंदा आया ना बीस पच्चीस साल से देखता हुआ तो उसकी वायरिंग हुई हुई है ये वाली यार पिज़्ज़ा देने आता है बंदा पाइप लगा के चला जाता है यू you नो know, तो वो एंड देन जब आप खुद जब एक्सपीरियंस करते हो वो एक्सपीरियंस ही बिल्कुल डिफरेंट होता है या फिर कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन uh, का लेवल उसी तरह का हो जाता है जो वो देखते हुए आए राइट सो यू नीड टू कम्युनिकेट और ये मैं सिर्फ आपको नहीं मैं जो भी सुन रहा है उनको कह रहा हूँ अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें और उनसे पूछें वॉट डू यू लाइक एंड वॉट डू यू डोंट लाइक क्योंकि अक्सर औवत लोग नहीं बता पाते नहीं एक्सप्रेस कर पाते इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक लड़की को सिर्फ इसी बात पर डिवोर्स हो गई थी बिकॉज शी किस्ड रियली वेल तो हस्बैंड को ये हो गया कि ये तो करवाती हुई आई है फेज़ एट की गलियों में गाड़ी के पीछे मतलब यू you नो know, पर्दे लगा के इसने बहुत किए हालांकि वो नहीं था बस यू you नो know, कुछ लोग अच्छी ऑब्जर्वेशन होती हैं लोगों की फिल्म में देखा भाई ऐसे करके आना है ऐसे करके या यह यहाँ करने वहाँ अप्लाई किया तो तो अगले ने तो तलाक ही दे दी इस बात पे तो बहुत से लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत से लोग डिसलाइक्स इसलिए बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि यार अगर इसको बोला तो फिर लड़ाई होगी यू नो वो बोलेगा भाई मुझे ये पसंद है अगर आपने बोला जी मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है इट हर्ट्स मी या मुझे पेन होता है या फिर मुझे आई डोंट फील गुड अबाउट इट तो वो फिर एक अलग मसला हो जाता है सो कम्युनिकेशन इज़ द की यू नीड टू कम्युनिकेट यू नीड टू आस्क वॉट यू लाइक वॉट यू वॉन्ट हाउ कैन आई मेक योर एक्सपीरियंस इवन बेटर बाई कस्टमर सर्विस वाली है ये वाली बात मतलब कह, मतलब कहने में बुरा लगता है आपको कस्टमर नहीं है कोई जस्ट बिकॉज uh, जो है ना एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है डजन मीन यू हैव टू पुट इट आउट मतलब मैं वो उस तरह नहीं कह रहा मगर ये कि जिस तरह आप फीडबैक लेते हैं ना उस तरह आपने लेना है पूछना है कि भाई डू यू लाइक दिस और वो यू वांट मी टू यू नो गो एन एक्स्ट्रा माइल और फिर उसमें फिर आप भी कम्युनिकेट करें कि भाई ये ये सो दिस इज हाउ यू इन्वॉल्व जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा एंड ऑल्सो यू नो अभी मैं खास आपके लिए मैंने चेक किया विक्टोरिया सीक्रेट है सऊदी में अबे सऊदी में खुल सकता है विक्टोरिया सीक्रेट यहाँ नहीं खुल सकता है यहां पे वही कौन से वाले ट्रायम्फ है बाजी ये देख ले पेडेड वाला अब मर्द बेच रहे भाई लड़कियाँ बेचती हैं विक्टोरिया सीक्रेट में वो आपको पूरा समझाती हैं भाई ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे क्योंकि जिन्होंने पहना हुआ है वही बताएंगी ना कौन सा अच्छा फील होता है या मूछों वाला मंजूर हुआ पेडेड ले ले अच्छा फील अबे तूने कब पहन लिया अभी मर्द बता रहा है आपको कि जी कौन सी पिंटी लेनी है कौन सा ये लेना है अरे भाई पागलों वाली बात तो विक्टोरिया सीक्रेट तो वहाँ है तो वहां पर काफी अच्छी चीजें मिलती हैं यू कैन सरप्राइज योर हसबेंड समटाइम्स यू नो अगर उनकी बर्थडे कोई ओकेजन है या कभी कभी यू नो डेट नाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कपल्स के लिए हम भी जो है आ, आ, जो है वी वी हायर अ नैनी फॉर अ डे और लाइक हाफ अ डे देन वी अ डेट नाइट यू नो जरूरी है बहुत जरूरी है ख़ुद को भी जो है ना बच्चों को भी घुमाना है ऑफकोर्स वो भी करना है लेकिन अपने लिए भी ज़रूरी है भाई ख़ुद यूनियन होगा कंपेनियनशिप होगी दोस्ती होगी माहौल अच्छा होगा तो बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा तो आपस में भी जो है ना घूमना फिरना बहुत इंपॉर्टेंट है कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर निकलें चाहे आइसक्रीम ही खा लें मैकडोनल्ड की ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा स्टेक खाना है साढ़े सात हज़ार रुपए का नहीं इट कुड बी लाइक कचौरी खा ली कहीं बंस रोड पर चले गए इधर चले गए उधर चले इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यूर स्पेंडिंग बट हाउ गुड टाइम यूर स्पेंडिंग विद ईच अदर गुड टाइम अगर आना हो तो सी व्यू पे ऊँट पे बैठ के भी आ सकता है झटके लगेंगे यू you नो know? <laughs> नहीं आना तो वो आपको जी एटमोसफियर पे ले जाएं कौन सा वाला एटमोसफियर ये बुर्ज खलीफा पे एक सौ ग्यारहवें फ्लोर पे पता नहीं का नहीं आएगा तो वहाँ पे भी नहीं आएगा इट्स अबाउट द कंपनी सो इट्स इम्पोर्टेंट गेट मोर ऑफ डेट नाइट्स कम्युनिकेट एस के मॉडी लाइक्स मे बी वो एक मनोटनी से बोर हो गए हों और आपको शायद वो नहीं बताना चाह रहे हों नहीं बता पा रहे हों या फिर वो शर्मा रहे हों भी होता है मर्द शर्माते हैं कि जी ये स्टाइल ज़रा अगर हो जाए तो क्या ही बात है तो बोलेंगे अच्छा तो दिया फिर वो अच्छा इसमें भी ये होता है ना फिर फिर वो खातन उस रफ अच्छा रहता तो तूने कहाँ देख लिया ये वाला स्टाइल फिर वो वीपीएन पकड़ा जाता है फिर ये होता है फिर वो होता है फिर वो दस झगड़े कि मेरे को छोड़ के तू आ, जो है ना आज यह लीजा एन बहुत बोल लिया और कौन सी है भे ऑड्री बिटोनी है कार्मिला बिंग तू यहाँ घुसा हुआ है मुझे छोड़ के फिर वो हो जाता है कि अच्छा अगर इसकी हिस्ट्री में सारे Uh, जो है एक डिफरेंट बॉडी टाइप की खातन आ रही है तो यानी इसकी बॉडी टाइप ये है और मेरी बॉडी टाइप तो ये है नहीं सो सो मे बी ही डजेंट लाइक मी फिर वो एक इनसिक्योरिटी फिर वो एक कॉम्प्लेक्स और फिर वो एक लड़ाई ये भी बड़ा मसला है तो अगर वो कम्युनिकेट करना भी चाहें तो फिर वो वहाँ से पकड़े जाते हैं कि भाई ये कहाँ देखता हुआ आ रहा है तू ये सो so, एनी anyway. सौ uh, so बातों की एक बात कम्युनिकेशन इज द की यू नीड टू सिट डाउन विद हिम टॉक टू हिम एंड टेल हिम और उसमें आप इस तरह स्टेक होल्डर्स बनेंगे देखें जी ये बच्चा है इसकी इसके लिए हमें खुश रहना है हम खुश होंगे तो इसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी और खुशियों में बहुत सारी चीज़ों में एक इम्पॉर्टेंट एंटीग्रल पार्ट ये भी है कि uh, हमारी फिजिकल रिलेशनशिप राइट सो उसमें आप कम्युनिकेट करें एंड सी वेर इट कोस ट्राई बात करें थैंक यू हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग वाइफ हार्ड लाइफ क्या बात है I hope you're feeling positive and testing negative in these hard times comedy. I would like to appreciate uh, you putting together all these videos for our society, especially the youth. My background. I'm a final year student of computer science. My parents have a very friendly relationship with me and they're advising me to marry someone who's a professional. I myself is a very goal oriented and uh, uh, independent person. Who has ambitions and wants to do big in life? My concerns are uh, I've seen in my family one mommy who is financially independent and professional is sort of dominant over her husband. Uh, as compared to my other mommy, who's a working housewife, uh, who is not dominant. Uh, if she is strong, she will be making her own life decisions. I mean, why not? Strong na bi her decisions. My concerns, okay, concerns are concerned. Uh, so the concerns are: she can go anywhere she likes, do whatever she wants. What if she is doing bigger in her life, professionally, financially, than her husband? Uh, should he take her shit all her life? Eh? If she's paying for all the things, can anything stop her to do whatever she wants? Your perspective: since you have traveled a lot and have a broader perspective for life, I want you to discuss these points. Should we even consider this as a, a professional threat? As man is only loved by what he puts on the table. Is this insecurity normal for guys since we are immature at this stage? Do you think men should always be dominating in the household? As I've seen in the family, husbands have to take a lot of shit. Does this vary from woman to woman given financial independence became different persons? I'm really looking forward to your perspectives on this. Like, first of all, uh, this goes from person to person. Zaruri not that professional or financially independent dominant in the हम लाइक आपकी अपनी ज़िंदगी में आपने इतनी खवातें देखी होंगी हु आर वर्किंग हाउस वाइज होम मेकरस हैं मगर आ, वो ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद के घर में पैसे कौन ला रहा है इट हैज़ टू डू विद दी ओन एटीट्यूड कि कौन uh, देखिए कुछ घर होते हैं जहाँ पे डिसीशन मेकिंग म्यूचुअल होती है कुछ होते हैं जहाँ पे मर्द बोलते हैं कि नहीं जी मेरा होगा खुवान जो है वो सबम सेव होती हैं कहाँ कहीं पे खान ज़्यादा डोमिनेंट होती हैं मर्द सबमेसिव होते हैं इट्स वेरी सब्जेक्टिव एंड पर्सन टू पर्सन एंड हैज़ नथिंग टू डू विद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस शी कैन गो व एवर शी लाइक वेर एवर शी लाइक डू वॉट एवर शी वॉन्ट्स ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपने किसी से शादी कर ली और वो काम करती हैं तो ऐसा नहीं कि वो कभी भी चली गई ऐसा लाइक देर हैज़ टू बी अ जस्टिफाइड रीजन आई मीन इफ यू वॉन्ट्स टू ट्रैवल विद अवर फ्रेंड्स देन इट कम्स टू यू के लाइक इफ यू वुड अलाउ हर टू गो ऑन अर ट्रिप विद ऑल गर्ल्स ट्रिप वो तो अगर काम ना भी कर रही हो तो ऐसे भी लोग प्लान्स बना लेते हैं सो इट हैज नथिंग टू डू विद दैट काफ़ी सब्जेक्टिव बात है इफ वॉट इफ शी इज़ डूइंग बिगर इन लाइफ प्रोफेशनली एंड फाइनेंशली देन हर हजबैंड शुड टेक टेक्शिट अगेन वही वाली बात है um, इट हैज़ नथिंग टू डू विद के पैसे ज़्यादा कौन ला रहा है या कौन बना रहा है इट हैज़ टू डू विद द पर्सनैलिटी अब वो पर्सनैलिटी पैसे के बग़ैर भी होती है बहुत सारे हजबेंड्स होते हैं बहुत सारी वाइफ होती हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग ज़्यादा होती हैं मगर वो शेड भी उन्हीं को ही मिल रही होती है सो so, ये तो बंदे से बंदे पर डिपेंड करता है और रही बात कि आपने मेरा परस्पेक्टिव मांगा है कि जी शुड वी कंसिडर इज़ अ प्रोफेशनल थ्रेड एज अ मैन इज़ ओनली लव्ड बाय व्हाट ही पुट्स ऑन द टेबल अच्छा प्रोफेशनल थ्रेड तो मुझे समझ नहीं आया वाला पार्ट मगर द मैन इज ओनली लव्ड बाय व्हाट ही पुट्स ऑन द टेबल एब्सोल्युटली उसकी एक वजह है कि एवोल्यूशनरी बेसिस पे अगर आप देखें सो फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिस्ट्री इट वॉज द मैन हु वॉज गोइंग आउट एंड डूइंग द थिंग्स दैट ही वॉज टू डू और वही हंटर और गैदरर्स वाली अगर हम बात करें अगेन एम नॉट डिफाइन जेंडर रूल्स नहीं डिफाइन करा अब टाइम्स हैव चेंजड मगर वेमेन एंड चिल्ड्रेन आर इनहेरेंटली लव्ड ठीक है अ मैन इज ओनली लव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट ही कैन प्रोवाइड फॉर एग्जाम्पल अगर एक खातून है शी इज़ वर्किंग प्रोफेशनल ठीक है इफ शी डिसाइड्स वन डे के आई एम गॉन अ वर्क एनी मोर आई एम गोइंग टू बी अ स्टे एट होम मॉम आई एम टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन शी इज गोइंग टू बी इक्वली लव्ड इवन मोर इन आर कल्चर कि अच्छा हाँ ठीक है घर बैठो बच्चों को आराम से संभालो ये वो संभालो उसकी मोहब्बत में कमी नहीं है और बच्चों से तो वैसे ही सब प्यार और मोहब्बत और शफकत करते हैं मर्द की मर्द को जज इससे किया जाता है कि भाई तू दे क्या है उसके अलावा उसकी कोई इनहेरिट वैल्यू नहीं है विच इज वाई वो जो क्वेश्चन आते ना कि लाइक वायर मेन सो कम्पेटिटिव इज बिकॉज नो बडी गिवस अट अबाउट अ लूजर पर्सन तो इतनी रैट रेस है और बिकॉज वी आर ओनली गोइंग टू बी वैल्यूड बाईर हार्ड वर्क तो फिर हमें हार्ड वर्क के अलावा भाई हार्ड वर्क और नो लाइफ वो कहते हैं ना लूजिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन वो बचपन में आप शरीड और एफएक्स के पीछे स्टिकर होता था मैं अक्सर बचपन में पढ़ता था लूजिंग इज़ नॉट एन ऑप्शन ये ऑप्शन ही नहीं है आपके पास यू कांट बी ए लूजर तो वो आपने मगर मैं ये भी नहीं कह रहा कि जी सिर्फ रिस्पेक्ट डिमांड करने के लिए कमाना है आपने जाहिर है यू हैव टू रेज अ फैमिल और यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फैमिली मैन मगर इनहेरेंट वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं ये प्रिवलेज मर्द के पास है ही नहीं अब uh, इस पर बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स रखते होंगे बिल्कुल रखें अपनी बात लेकिन ये कि दिस हाउ आई फील अच्छा इज इज इनसिक्योरिटी नॉर्मल फॉर गाइज इन सर इमेचोर डिस जी मसला यहाँ आ रहा है कि आपने हमेशा देखा है अपनी माँ को

You can't look at this woman and see how she is being treated and apply that on this one. Isko deal kisi aur se karna hai. So like if your, if your uh, wife uh, likes to pursue her career, more than happy. Acha hai. Share hogi or apki joh hai income zayra uh, double hogi or stake badega. Apki growth mein zada which is like I totally endorse. My wife works as well. वर्क मच हार्डर देन आई डू मगर उसका अपना रोल है मेरा अपना रोल है सो so लाइक like, uh, जब आपने डील करना है ना तो आपने जरा डिफरेंटली डील करना है यू कॉन्ट ट्रीट हर लाइक कि वो भी काम से आई और आप भी काम से आए और आप कह रहे चल भाई अब ज़रा हांडी चढ़ा तो ऑब्वियसली शी वोट टेक इट केयर मैं भी उतना ही काम करेंगे जितने दिन तो अगर चलो ठीक है अगर मैं हांडी चढ़ाती हूँ तो प्याज टमाटर तूले भी काटने ये मसला आ रहा है आप देख रहे हो अम्मी को कि यार अम्मी सारा दिन किचन में लगी रहती थी और फिर आप इससे एक्सपेक्ट करो कि वो आके ये करे ऐसे नहीं होता फिर आपने ट्रीट डिफरेंटली करना है तो ये इमेच्योरिटी वाला पार्ट बिल्कुल है और वो इसीलिए है बिकॉज आपका सैम्पल अलग है और एप्लीकेशन अलग है तो वो जिस दिन आप जिस आजकल के बच्चे जैसे हैं बिकॉज मोस्ट लाइकली देर मदर्स आर वर्किंग प्रोफेशनल्स सो दे विल भी ट्रीटिंग देर वाइज मच डिफरेंट हुर हु वुड ऑल्सो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स बिकॉज उन्होंने घर में देखा होगा माहौल फॉर एग्जाम्पल माई सन ही वुड लुक एट मी हाउ आई एम ट्रीटिंग माई वाइफ बिकॉज शी इज़ अ वर्किंग प्रोफेशन आई नो शी वर्कस हर एस ऑफ सुबह उठ के इधर जाना उधर जाना दस हज़ार काम है सो लाइक आई डील हर वेरी डिफरेंटली तो वो उसको बड़ा डिफरेंट ट्रीट करेगा अब ये मैंने कैसे सीखा मेरी माँ तो नहीं थी वर्किंग प्रोफेशन लेकिन ज़ाहिर है यही जिंदगी ट्रैवलिंग आपको ये चीज़ सिखाती है पढ़ना लिखना लोगों को समझना ऑब्जर्व करना यही तो आपको सिखाता है सब कुछ आ, तो मैंने यही सीखा कि यार मैं वो वाली इस पर अप्लाई नहीं कर सकता सो आई हैव टू ट्रीट दिस वूमेन वेरी डिफरेंटली ट दी बेसिकली ड्यू यू थिंक मैन शुड ऑलवेज भी डोमिनेटिंग इन द हाउस देखो डोमिनेशन की कोई बात ही नहीं है घर है कोई मैदान जंग थोड़ी कि जो आपने जीतना है मुझे यह समझ नहीं आती कपल्स की कि एक दूसरे पे प्लस वन क्यों करना है वाई क्या मिलता है कौन सा आर एफ अलवी ने आपको निशान इम्तियाज देना है मैं भी शयाद की तरह तमाह इम्तियाज ना हाँ क्या मिलेगा डोमिनेट करके डोमिनेट नहीं करना देखिए एक घर है एक कंपनी है कंपनी तभी आगे बढ़ेगी जब कंपनी के सारे स्टेक होल्डर्स खुश होंगे आपने कोलैबोरेट करना है कुछ एरियाज मर्द ने कवर करने कुछ एरियाज औरत ने कवर करने अगेन डिफाइंड नहीं है कुछ भी हो सकता है अब जैसे आई हैव अ फ्रेंड शी वर्कस फॉर अ वेरी बिग कंपनी और हस्बैंड ने बोला ठीक है मैं बच्चा संभालता हूँ वो रोटियाँ पकाता है चपातियाँ पकाता है इंस्टाग्राम पर डालता है बड़े खुशी से डालता है नीचे लोग उसको शेट दे रहे होते हैं वो अलग बात है बिकॉज लोगों को नहीं पता कि यार Uh, ऐसे भी अब जिंदा रहना मतलब इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है इफ यू नो हाउ टू कुक ये तो शर्म की बात है अगर आप, आप आपके पास बेसिक सर्वाइवल स्किल्स नहीं है राइट right? सो so उन्होंने देखा कि यार मर्द ने देखा मेरा एक करियर है इट कैन ओनली गो सो फार ठीक है और कंपनी चलाने के लिए अगर हमें बड़ा घर लेना है अमेरिका में या चाइना में या इधर या उधर तो उसके लिए जो है ना थोड़ा इस तरह ये, ये स्ट्रैटेजी करनी है, तो बेगम का करियर अभी यहां जा रहा है तो उसके ज़्यादा चांसेस है सीईओ बनने के चल ठीक है तू कर मैं ये कर लेता हूं बच्चा संभाल लेना तो कर रहे हैं तो डोमिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए आपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है और घर को एक कॉरपोरेशन की तरह चलाना है यार इसकी ग्रोथ के लिए इसकी बेहतरी के लिए बच्चों को हमने अगर एक बेहतरीन सिटीज़न बनाना है बेहतरीन इंसान बनाना है तो हमें अच्छा माहौल प्रोवाइड करना है अच्छा माहौल तभी होगा जब कोलैबोरेट किया जाएगा कि यार चलो आज तुम बच्चों को यहाँ ले जाओ मैं भी काम कर लेती हूं अगली बार मैं इनको स्विमिंग क्लासेस पे ले जाऊंगी तुम अपना ये वाला काम कर लेना इस तरह करके ना आप प्लान करते हैं चीजें ये छोटे प्लान हैं फिर बड़े प्लान्स होते हैं कि यार घर मूव करना है ये करना है बाहर जाना है वटेवर जो भी होता है आपका अब इस इसमें डोमिनेटिंग का क्या मतलब कोई डोमिनेट ट्रिक्स है क्या आपने कोई लेदर पेन के हंटर मारने क्या है अब एक घर है कोई मुकाबला थोड़ी है मैं लोगों को यही समझाता हूं कि लाइक वाई आर यू एट वॉर विद योर ओन विद योर ओन स्पाउस विद योर ओन पार्टनर जंग किस बात की है जंग इज ऑलरेडी वन जंग थी जब शादी नहीं हो पा रही थी तो वो जंग थी जमाने के साथ फिल्मों में ये देखा ना जमाने से जंग लड़के हमने शादी की हमारे वैल्यूज नहीं मिलती थी या वैल्यू कह रहा हूँ सॉरी हमारे सेक्ट नहीं मिलते थे या रिलीजन नहीं मिलता था या हमारी कास्ट नहीं मिलती थी या हमारा सोशल स्ट्रक्चर सोशल डायनामिक्स नहीं मिलते थे इकोनॉमिक बैकग्राउंड uh, नहीं, नहीं मिलते थे लेकिन हमने जमाने से लड़के शादी कर ली तो वॉर तो वो खत्म हो गई अब तो पीस होना चाहिए ठीक है ना वो वॉर आप लड़ चुके तो अब कौन सी वॉर है और अगर इसमें भी वॉर है इसमें भी डोमिनेशन है इसमें भी लड़ाई झगड़े दैन वाई यू टुगेदर इन द फर्स्ट प्लेस फक दिस शेट तो डोमिनेशन नहीं हाँ ये हो सकता है कि यार यू कैन कम्युनिकेट कि अगर अगर आपको लग रहा है कि आपकी बीवी जो ही कह रही है वो सही नहीं है तो आपने जो है ना डोमिनेट करके नहीं करना आपने एक परस्पेक्टिव देना है कि जी ये एक परस्पेक्टिव है इस तरह समझाने हम असल में हमें समझाना नहीं आता वी वी आर नॉट टॉट फ्रॉम आवर स्कूल्स हाउ टू आर्ग्यू आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छी चीज़ है भाई आज ये जो हमारी डेमोक्रेसीज खड़ी हैं दुनिया में ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ़ ईयर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आर्ग्यूमेंट्स लोग करते थे ओपिनियंस अपने अपने शेयर करते थे और फिर उसमें से बेस्ट जो निकलता था फिर उसने सोसाइटीज़ को शेप दिया तभी सोसाइटीज़ आज कहीं किसी मकाम पर खड़ी है वरना हम तो जंगली थे नहीं भाई ऐसा कैसे हो गया मार दिया जी सौ लोग मार दिया कि क्यों जी इसके ऊँट ने आसे पानी पिया था मतलब हम तो ये थे ना इंसान तो बेसिकली यही था किसी भी सिविलाइजेशन में आप देख लें लेकिन आपने आर्ग्यूमेंट्स करके परस्पेक्टिवस रख के ओपिनियंस रख के आगे आगे गए हैं तब जाके दुनिया का ये शक्ल निकली है ना तरक्की हुई है तो घर को भी आप इसी तरह देखें अगर आपने घर में इसी तरह हर बात बात पे हाथ उठाना है चमाट लगाना है ये करना है वो करना है तो ऐसे तो कंपनी नहीं चलेगी कंपनी बना के चलें डोमिनेशन की कोई जरूरत नहीं है सो आई डोंट थिंक इट्स दिस इज़ अ थ्रेड टू सम इट अप आई डोंट सी इट एस अ थ्रेड ये तो बल्कि अच्छी बात है डोअल इनकम होनी चाहिए बल्कि ज्यादा जितनी इनकम हो उतना अच्छा होना चाहिए क्योंकि आजकल यार अब एक इनकम का गुजारा है ही नहीं है ही नहीं हो ही नहीं सकता एंड यू हैव टू बी बाई हर साइड और आई इनडोर्स दिस और ये वही वाली बात जो आपने कही ना कि जी वो डोमिनेट हो जाएंगी और ये हो जाएगा जस्ट बिकॉज ज़्यादा पैसे वो ला रही हैं तो वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता बहुत से लोग कुछ ना भी दे के बगैरती दिखा दिखाते हैं जताते हैं अपनी चीज़ें तो जो जताने वाला होगा अगर आपका पार्टनर जता रहा है कि जी मैंने ये किया है मैंने वो किया है तो फिर वो पार्टनर नहीं हुआ वो फिर वो एक ट्रेडर हो गया तो आपने ट्रेड थोड़ी किया था आपने तो शादी की थी बस इतनी सी बात है नेक्स्ट क्वेश्चन माई फादर इज अ वुमेनाइजर हेलो सर हाउ आर यू आई हैव यू फाइन द ग्रेस ऑफ अल्लाह आई वन टू शेयर माई फैमिली प्रॉब्लम विद यू विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग विच इज़ डिस्टर्बिंग अस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई ए रेजिडेंट ऑफ कराची माई एंड द प्रॉब्लम इज़ माई फादर इज़ अ वूमे आइजर आई एम रियली रियली सॉरी टू से बट ही इज़ वी आर टोटल फोर सिबलिंग्स माई फादर इज़ अटीन ग्रेड रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर शुरू से अबू थोड़ा औरतों के चक्कर में रहते थे इवन शादी के कुछ साल बाद अबू ने गाँव में गाँव की एक लड़की को भगा लिया और लाहौर ले गए मगर खैर तीन चार दिन बाद ख़ानदान के कुछ लोगों ने ढूंढकर उन्हें वापस लेकर आ गए और अबू को समझाया खैर इसके बाद अबू कराची आ गए और अबू की वही आदतें स्टार्ट हो गई अम्मी के मैके वाले इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि अम्मी को बैक कर सकें या अम्मी ख़ुद स्टैंड ले सकें इसलिए अम्मी चुप रहीं और सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं किया हम लोग पैदा होने के बाद अब अबू वापस ट्रैक पर नहीं आए औरतों और के चक्कर में लगे रहे अबू ने उन औरतों पर बहुत पैसा लुटा दिया इवन उनकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस उनके घर का खर्च अच्छा है शुगर डैडी हैं ये मतलब आ, सिर्फ आपके ही नहीं दूसरों के भी उनके घर खर्चा किया अबू उठाते थे और जब अबू के पास पैसे नहीं होते थे तो घर की कोई ना कोई चीज़ बेच देते थे ओ शट हमारे पास पहले कार हुआ करती थी वो भी बेच दी गांव की कुछ ज़मीनें भी थी वो भी बेच दी जानवर मतलब कैटल थे वो भी बेच दिए सिर्फ इन सब कामों के लिए अबू जब रिटायर हुए तो उनके पास कुछ भी नहीं था ना कार ना कुछ गांव की जो बची हुई ज़मीन थी वो भी बेचना चाहते थे अब और रिटायरमेंट के बाद इस्लाम में गवर्नमेंट की तरफ से जो प्लॉट मिला था वो भी बेचना चाहते हैं अबू के हमने इतने एविडेंस पकड़े हैं कि अक्सर कार में से कॉन्डम के पैकेट्स मिल जाते थे और अक्सर लड़कियों की चीज़ें भी मिल जाती थी हम घर वालों ने बहुत बार कोशिश की कि अबू को किसी तरह समझा सकें और इवन ख़ानदान वालों को भी साथ बिठाया बीच में मगर अबू नहीं सुधरे मेरी एज इक्कीस साल है और मैं सबसे छोटा हूँ घर में और स्टिल अबू की वही आदतें चल रही हैं इवन अबू ने औरतों के चक्कर में लोगों से लोन तक लिया आए हाय बेड़ा गरक है यार जिसकी वजह से लोन वाले रोज़ हमारे घर आते हैं और अबू ने इन सारी हरकतों की वजह से ख़ानदान वाले हमें रिस्पेक्ट भी नहीं करते प्लीज़ जुनीत भाई मुझे कुछ गाइड करें हम कैसे अबू को ठीक करें और क्या हमें किसी साइकेट्रिस्ट के पास उनको लेकर जाना चाहिए क्योंकि अब हम बहुत कुछ लूज़ कर चुके हैं और अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते आई होप यू विल आंसर माई क्वेश्चन लव योर वीडियोज़ फ़र्स्ट ऑफ ऑल बेटा आई एम सो सॉरी टू हेयर दिस लेकिन वो ये ना हमेशा मैं कहता हूँ भाई लड़की का चक्कर कभी रोड़ी कभी चक्कर ये ऐसी चीज़ है कि ये इसने भाई बड़े बड़ी आ, भाई वो ट्रॉय फिल्म थी ना ट्रॉय फिल्म का फड्डा क्या था वो फड्डा ही ये था कि वो औरत के चक्कर में जो है ना वो ग्रीक आ गए थे कि भाई हमें ये चाहिए और फिर उसके पीछे जंग हुई तो मतलब ये अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग विमेन फॉर दैट ये तो मर्दों की अपनी हरकतें हैं मगर ये कि औरत इंसान की सबसे पहली कमज़ोरी है करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग सूर् नसा में भी जो मर्द की कमज़ोरियाँ हैं उसमें पहली औरत है दूसरी औलाद और तीसरी माल है प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ठीक है तो जब अल्लाह ने एक बात कह दी तो फिर मतलब देर देर आर नो टू साइड्स अबाउट इट राइट ओके अब बात यह है कि दिस इज़ इज़ आप ख़ुद 21 साल के और आप सबसे छोटे हो यानी अज्यूमिंग अगर आप दो दो साल बाद चार बहन भाई पैदा हुए तो आपका सबसे बड़ा वाला तीस साल का है यानी शादी को बत्तीस साल हो गए तो एक आदमी जो बत्तीस साल में नहीं बदला और फिर शायद उससे पहले भी कुछ हो कंसिडरिंग ये इंसान की इसमें होता है ये रात गए नहीं हो जाता ये फिर एक शुरू से चलता हुआ आ रहा था जब इतनी सारी चीज़ों ने चेंज नहीं किया तो आई डोंट नो अब क्या चेंज करेगा अमूमन होता ही है कि इस उम्र में अंकलों को जब धचका लगता है तो वो फिर थोड़ा रिलिजन की तरफ आ जाते हैं लेकिन अभी जो आपने बताया कि अच्छा एक तरफ आपने कहा गाड़ी बिक गई है दूसरे को कह रहे हैं गाड़ी से कॉन्डम मिले अच्छा शायद पहले मिले हो ठीक है ओके मेक सेंस तो अज्यूमिंग इस उम्र में लोग रिलीजस हो जाते हैं तो मे बी ही नीड सम सॉर्ट ऑफ रिलीजस काउंसलिंग क्योंकि आयर नो मैन साइकोट्रिस्ट के पास देसी बाप मर के भी नहीं जाएगा वो आप सबको पहले ही इतना ट्रामाटाइज कर चुके हैं वो और वीड राधर डू देट देन गो हिम हिम सेल्फ एंड सीक साइकोआट्रिक कंसल्टेसन सवाल ही नहीं पैदा ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है मगर ये एक माइंड सेट है जिसकी मैं बात कह रहा हूँ कि वो जाके कभी जाएंगे अगर चले भी गए तो एडमिट भी करें क्योंकि बहुत से लोग झूठ बोलते हैं सच नहीं बोलते दे वॉन्ट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन इन फ्रंट ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट दे डोंट देट अ कम अक्रॉस हालांकि साइकियाट्रिस्ट हो गए साइकोलॉजिस्ट हो गए ये ऐसे लोग होते हैं ये हो गए लॉयर हो गए और डॉक्टर इनकी ट्रेनिंग ही यही होती है कि आपको जज ना करें यही वजह है कि हमारे माशरे में अगर आप सदर बाज़ार में कोई ख़ातून जाए और किसी का हल्का सा हार्ट टच हो जाए तो उनको एकदम करंट लगता है कि मुझे हाथ किसका लगा मगर वही औरत मेमोग्राम कराने के लिए वो अपने कपड़े भी उतार देती है वो अपना गायनोकोलॉजिकल एग्जाम भी करवाती है मेल गायनोकोलॉजिस्ट से भी करवाती है तो वही औरत जो एक हल्के से टच से इतना उसको करंट लग जाता है वो वहाँ कंफर्टेबल क्यों हो जाती है वाई बिकॉज डॉक्टर्स को बाकायदा एथिक्स की एक क्लास दी जाती है एक सब्जेक्ट होता है कि आपने पेशेंट को एज अ पेशेंट ट्रीट करना है आपने एज एन इंडिविजुअल नहीं ट्रीट करना है। यही वजह थी कि वो एक मामला हुआ था कि किसी डॉक्टर ने किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी थी और हमारे मुल्क में फिर बहुत बड़ा वावेला मचा था उसके पीछे उसकी, उसकी वजह ही ये थी कि कि अगर आपसे कोई पर्सनल हो रहा है तो दैट मीन्स कि जब आप उसे इलाज करवाते रहे हैं तो शायद वो आपको एज अ पेशेंट नहीं देख रहा था आपको एज अ पर्सन देख रहा था समझ रहे मेरी बात तो ये उनका एक कोड होता है वो आपको जज कर ही नहीं सकते तो लेकिन लोग ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि यार वो कहते हैं कि यार पता नहीं क्या सोचेगा तो वो झूठ वूठ बोलते हैं अब चूँकि इनपुट सही नहीं जा रहा तो आउटपुट कैसे सही आएगा तो दोज थिंग्स डोंट वर्क आउट आइदर और फिर कहते हैं कि नहीं ये तो एम बेकार सा साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट था या साइकैट्रिस्ट था सो आई डोंट नो इफ़ ही इज गोइंग टू मैं चूँकि इस माशरे का हिस्सा हूँ तो ऐसे ऐसे अंकल जो है ना फिर आखिर वक्त में दाढ़ी वाड़ी रख के और वो फ़ौर वो जो है ना आओ ने चलें चला लेते हैं रिलीजन uh, याद आ जाता uh, so kind of है सो ट्राई दैट काइंड ऑफ इंटरवेंशन इलाके के मौलवी साहब पकड़े बोल रहे जी अबू को समझाएं हमारा घर ख़राब हो रहा है एंड इट्स योर राइट आपकी माँ है कि माँ का सुकून छिना हुआ है पिछले तीस साल से शी डिज़र्व सम सॉर्ट ऑफ इफ़ नॉट हैप्पीनेस बट एटलीस्ट सम कम्फर्ट या कुछ सुकून सम पीस तो ट्राई दैट इंटरवेंशन फैमिली में तो आप कर चुके हैं ज़ाहिर फैमिली में भी, भी अब वो लोग इज्जत नहीं कर रहे आपकी तो एक तरीके यही रहेगा साइकैट्रिस्ट और फिर एक रिलीजस इंटरवेंशन अगर ये भी ना हो तो बेटा आप ऑलरेडी किसके हो अगर आपके पास स्मार्टफोन है इंटरनेट है तो आप कमा क्यों नहीं रहे ठीक है आप वो शुरू करो आपके जो दूसरे बहन भाई हैं उनको भी बोलो उनके साथ बैठो आप बोलो कि यार ये तो नहीं सुधर रहे और माँ को अब हमने ना अगर अब भी पीस नहीं दिया तो कब देंगे वैसे ही कोरोना चल रहा है अल्लाह सबको लम्बी ज़िंदगी दे बट ठीक mm -hmm. है ना सो यूर मॉम डिजर्व समर्ट ऑफ पीस तो अब आप चारों बहन भाइयों ने क्या करना है एक कंसोर्शियम बनाना है और एक गोल बनाना है कि यार हमने बस पैसे जमा करने और हमने अलग रहना है और आप अलग हो जाएं क्योंकि अगर वो नहीं सुधर रहे क्योंकि देर इज ओनली सो मच यू कैन डू ठीक है आई एम श्योर इट आपको भी एक डिसगस्ट सी फील होती होगी वालिद के सामने जब आप उनकी इस तरह की चीज़ें देखते होंगे या गाड़ी से कॉन्डम निकल आए या उनके मैसेजेस पढ़ लिए और ये मतलब ये हरकतें करना कि ये यूनिवर्सिटी की लड़कियां ऐसे बहुत होते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर किसी ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी हो गई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हो गई उसके बाहर अक्सर हम भी नोटिस करते थे जब हम पढ़ रहे थे अंकलों की गाड़ियाँ खड़ी होती थी पैसे वाले अंकल होते थे उनके पास पैसा होता था और कुछ लड़कियां होती हैं जिन हु नीड इज जिनको इजी मनी चाहिए होता है जिनको मोबाइल भी अच्छा वाला चाहिए होता है जिनको ट्रैवल भी करना है आ, होते हैं हर किस्म के लोग होते हैं ऐसे लड़के भी होते हैं जिनको लड़कियाँ पाल रही होती हैं आंटियाँ पाल रही होती हैं ठीक है ना तो वो उस चक्कर में अब वो देखें लोग कहते हैं ना कि यार अंबानी ने चूँकि दो करोड़ की शादी की थी तो हम भी दो करोड़ की करेंगे अब मानी के बाद बीस हजार करोड़ था उसमें से दो सौ करोड़ की की थी आपके पास रह जाए कि दस लाख हैं आप चालीस लाख के खर्चे पाल रहे हो तो ये वही ना इसकी एक टर्म है आई नोट इफ आई शुड इफ आई शुड से दिस इन कैमरा इसको कहते हैं उधार पर न जाना यानी उधार लेके आप मुजरे करवा रहे हो ठीक है अगर आपके पास है तो उड़ाए जाओ ठीक है अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग दिस मैं एक बात कह रहा हूँ सौ रुपये हैं तो उड़ा लो पाँच रुपये लेकिन अगर हैं ही पाँच रुपये और सौ वाले खर्चे पाले हुए तो मतलब ये तो फिर थर्ड क्लास हरकत हुई ना अब आपने लोन भी लिए हुए हैं घर में लोग आ रहे हैं तो भाई ये ऐसी ज़िंदगी तो है ना आ, 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 ऐसी ज़िंदगी जीने से तो बेहतर है बंदा कुछ और ही मामला कर ले एज सुसाइड नहीं कह रहा भाई लेकिन ये कि नकल मकानी कर लें नहीं मान रहे बोले आप रहें इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह लाएं बच्चियां लाएं दबा के शिफ्टें लगाएं सुबह एक आ रही है दोपहर को एक शाम को एक शिफ्टें लगाएं जो करना है करें लोन वाले आपके घर हम यहाँ से जा रहे हैं हम नहीं रह सकते ज़िल्लत की ज़िंदगी इस शेम वाली ज़िंदगी हम अपनी माँ को पीस देना चाहते हैं और माँ को भी इंटरवेंशन दें माँ को भी समझाएं कि भाई, भाई, भाई बस बहुत हो गया अगर माँ क्योंकि अच्छा ऐसी सूरतों में बहुत सारी खवतन होती हैं जो बेचारी फिर भी कहती नहीं चलो ठीक है मैं कर लूँगी गुजारा तीस साल हो गए ना ये हो गए वो हो गए उनकी इंटरवेंशन ज़रूरी है अगर वो भी ना माने तो फिर आप बोल फिर आप उनको फिर ये धमकी दें कि फिर ठीक है आप दोनों साथ रहें ऐसी ज़िंदगी आप दोनों रहें हम नहीं रह सकते क्योंकि अभी हमें लोग उंगलियाँ उठाते हैं कल को हमने भी शादियाँ करनी है, हमारी भी फैमिलीज़ होंगी हमारे भी बच्चे होंगे हम नहीं चाहते कि जी हमारे दरवाजों पर लोग खड़े हों और बोले कि जी तुम्हारे बाप ने हमसे पैसे लेके जो है ना लड़कियां घुमाता था लड़कियों की फ़ीसें भर रहा था तो लाओ ज़रा पैसे तो वी कॉन्ट लिव दैट लाइफ सो अपने आप को फाइनेशली स्ट्रोंग करें आप चारों बहन भाई मेहनत करके और अलग हो जाए क्योंकि वो जाने अब उनकी हरकतें हैं ना उन्होंने जो गलत हरकतें की हैं तो उसके रिप्रिकॉशन फिर उन्हीं पे आने चाहिए आप पे क्यों आ रहे हैं आप क्यों दरवाज़ा खोल के लोगों की गालियाँ सुन रहे हैं और ये बड़ी थर्ड क्लास मतलब ये बहुत ज़िल्ल आमेज चीज़ होती है जब पैसे मांगने वाले दरवाज़ों पर आते हैं ठीक है ना किसी ज़माने में मैं भी क्रेडिट कार्ड्स की उसमें फंस गया था बहुत पुरानी बात है मुझे इतनी अकल नहीं थी मिस यूज़ नहीं किए थे घर में ही मतलब यू नो घर में शादियाँ थी ये थी वो थी मैं मैनेज फाइनेंस मैनेज नहीं कर पाया क्योंकि फाइनेंस हमें सिखाए नहीं जाते तो कुछ किस्तें मिस हुई मुझसे और जिस तरह वो बैंक वाले सुबह नौ बजे आके दरवाज़ा खटखटा के जलील कर कर करते थे और जानबूझ के ज़ोर से बोलते थे ताकि पड़ोसियों को भी आवाज़ जाए ताकि शर्मा शर्मी में फिर आके कोई गोल्ड वोल्ड बेच के कोई बाइक बेच के कोई, कोई फ़ोन बेच के पैसा उतारे बहुत ज़िल्लत वाली हरकत होती है और इस इसके वजह से एक बच्चे ने सुसाइड कर ली थी जिसके बाद एक सुप्री, सुप्रीम कोर्ट जज ने बैन कर दिया था कि बैंक वाले कलेक्शन करने घरों में नहीं जा सकते विच वॉज अ गुड मूव सो um, सो ये बड़ी ज़िल्लत आम इस चीज़ है तो आप बेटा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें मुझे इतनी कोई ख़ास उम्मीद नहीं आपके वालद से साइकेट्रिस्ट uh, के पास जाने की या चेंज होने की ऐसे लोग मुश्किल ही चेंज होते हैं जिसने तीस साल ही ऐसे गुजारे हैं उसने अगले भी ऐसे ही गुजार देने सो so, या yeah, अपने आप को स्ट्रॉग करें और अपने आप को अलग होने की कोशिश करें शायद उस डर से कि यार मुझे मेरे बच्चे छोड़ रहे बुढ़ापे में औलाद मारा सहारा होती है शायद इस डर से वो सीधे हो जाए तो मतलब आपको डराना है उनको ज़रा धमकी देनी है क्योंकि जब बच्चे बच्चे होते हैं ना तो बच्चे पावरलेस होते हैं तो वो इसलिए पेरेंट्स डोमिनेंट होते हैं लेकिन जब बच्चे वो बड़े हो जाते हैं ना और उनको जब थ्रेट होती है कि यार अब हमें अब हम इन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं और ये मुझे शायद पैसे ना दे तो मेरी सिगरेट का खर्चा कहाँ से पूरा होगा मेरी बिजली कौन भरेगा फिर वो डर डर में जो है ना पेरेंट्स थोड़ा सा सकम कर लेते हैं थोड़े से हथियार डाल देते हैं सफ़ेद झंडा हिला लेते हैं तो वो धमकी दे के कोशिश करें शायद उससे वो सीधे हो जाए next question salaam alaikum jit bhai before jumping to question i would like to say thanks for your uh, being so awesome and always taking on tough topics with full grace apologies for the long question i just want to be clear with the question and background to it okay no problem now to the real thing i would love some feedback since this is a topic i haven't been able to discuss with anyone so far i'm 30 married no kids software engineer professional and currently living in canada as a permanent resident my wife is here with me we have been Having real trouble from the past four years in our marriage. A bit of a background. We got married seven years back. Initial three years were very stable, happy, and always looked after each other. Due to the nature of our jobs, we have traveled a lot Indonesia, UK, Thailand, Canada, and a few other places and mostly traveled alone. We work for the same company but were always allocated uh, at different regions. Four years back, my wife went on a work assignment to Europe for six months and there she met a colleague from office and though nothing happened there but she developed feelings for him and the feelings were so strong that she wanted to leave me which i agreed to right away since i don't think one can hold on to someone forcefully okay makes sense though she never took the decision to leave we got back to pakistan she apologized and said it was all a mistake etc and few months later we moved to canada in 2017 since then, she has been unstable. There are days uh, when she's okay and I see her having a good laugh, but then most of the time she seems lost and I hate seeing her that way. We were university sweethearts, studied together, traveled, worked financially very stable, but now she has again asked me to leave her as she still has feelings for him. I still respect her, and due to the nature of uh, the topic, it's almost impossible to discuss this with her parents, friends. As they never understand, even if we mention that we want to split. I love her, but I'm more than happy to let her go if that's what makes her happy. Not sure if this is the right thing, but I just hate to see a distance between us and it's causing her health issues, which she never calls out, but I know. She still does everything on her part from taking care of. Uh, of everything as a wife, and I do the same, uh, always fulfilled every responsibility on my part and still try to take care of her uh, to the best of my ability. We do argue from time to time, but we have never disrespected each other. But I feel there is a doubt in my heart and in her as well, and the gap we have developed over the last four years will never go away. At this stage, I am unsure whether I should continue this unstable marriage. Or actually, let her go so at least she can be happy, and I might have to start again my life, which I'm willing to do uh, to be a typical guy and go with the gozara kardo mentality. Plus, it's my decision. At the end of the day, I'm just asking for your advice. Of course, accountability lies with me for my actions. If you can please take keep my identity confidential, we'll be anxiously waiting to hear from you. Uh, this is the first time in seven years I have opened up to ev anyone. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी विद सो मच इनसाइड अबाउट योर लाइफ एंड इट वॉज अ वेरी बेटर स्वीट ई मेल सो बेसिकली मैं लोगों को समझा दूँ कि एक साहब हैं देवर स्वीट कॉलेज स्वीट हार्ट्स शादी की सात साल पहले सात काम किया एक ही कंपनी में काम करते हैं बड़ी कंपनी है कनाडा में रहते हैं और बहुत सारे मुल्कों में रहे हैं और फिर वाइफ को छः महीने के लिए दूसरे मुल्क में जाना था फ्राम कंपनी शी डेवेलप फीलिंग्स फॉर सम वन शी केम बैक आस्टम टू लीव हर एंड देन शी डिसाइड नॉट टू फिर ये साथ पाकिस्तान भी गए फिर कैनेडा मूव हो गए लेकिन अब वो दोबारा शी सीम्स अब लॉस्ड और ये चाह रहे हैं कि इफ शी वॉन्ट्स टू गो देन शी कैन मगर मसला ये है कि ये वाली बात फैमिली से नहीं की जा सकती दोस्तों से नहीं की जा सकती क्योंकि लोग इसको समझते नहीं है देखें सबसे पहली बात तो यह है कि लाइक यू नो हमने लव को ना अटेन करना समझ लिया कि लव वही होता है जैसे ये मेरे पास है सो आई लव हर आई कैन ऑल्सो लव हर इफ़ इवन इफ इट्स नॉट विद मी वो कहते हैं ना इफ़ यू लव सम लर्न टू लेट देम गो इफ दे वॉन्ट यू दिल कम इफ दे इफ दे मेंट फॉर यू दे डेस्टिन टू बी विद यू दिल कम बैक इफ नॉट दे वर नॉट मेंट टू बी इन द फर्स्ट प्लेस देखें अब अगेन ये कोई अरेंज मैरिज तो थी नहीं कि जहाँ पर उनका दिल शुरू से ही नहीं था यहाँ पर भी लोगों को ये बात समझना ज़रूरी है कि पीपल फॉल अपार्ट शुगर रे का एक गाना है फॉलो अपार्ट बहुत अच्छा सुनिएगा नॉट अबाउट दिस वो बस ऐसी है, याद आ गया पीपल फॉलो अपार्ट दे ब्रेक दैट्स लाइफ ये याद रखें यू कैन बी कॉलेज स्वीट हार्ट्स यू कैन बी स्कूल स्वीट हार्ट इज़ वेल मगर एक पॉइंट के बाद यू नो थिंग्स वेयर ऑफ से परफ्यूम होता है कोलोन होता है आप लगाते हो इट स्टेज विद योर शर्ट एक वॉश के बाद दो वॉश के बाद व स्टार्ट टू वेयर ऑफ इट डजन मीन इट्स नॉट ब्यूटिफुल और इट वॉज इन ब्यूटिफुल बट ये कि उसका एक टाइम था फाइनाइट वैल्यू थी सम पीपल गेट क्लोज ऐसे भी होता है कि अरेंज मैरिज ज़बरदस्ती फोर्स मैरिज हो गया नॉट अरेंज यार हमेशा अरेंज मैरिज कहता हूँ फोर्स मैरिज प्लीज़ आई एम सो सॉरी मैं हमेशा अरेंज मैरिज कहता हूँ फोर्स so मैरिज नहीं, 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 नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ बीस साल बाद रिकेंडल हुआ कैरे जैसा भी है हमेशा मेरे साथ तो होती है यू you नो know, फिर 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 लव स्टार्ट होते हैं बहुत से लोगों का लव लिटरली एंड में स्टार्ट हो रहा है ऐसे भी केसेज हैं वे इट्स इम्पोर्टेंट टू लेट पीपल गो क्योंकि वो कहते हैं ना uh, मैंने कोर्ट शेयर किया था लोनलिनैस इज नॉट वेन योर अ लोन लोनस इज़ वेन यूर विथ समन एंड डोंट फील दैट देर देर राइट कभी कभार लोगों से पूछते हैं कि लाइ आप लॉन्ग डिस्टेंस कैसे मैनेज करते हैं बिकॉज यू नो आई डोंट अज्यूम दैट चीज़ अवे आई अज्यूम दैट चीज़ विद लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं बिस्तर में साथ होते हैं लेकिन दिल साथ नहीं होते दिल कहीं और होते हैं फिजिकली so, साथ होते हैं मेंटली देर नॉट देयर सो इसमें आपके लिए ये बात जानने की ज़रूरत है कि योर वाइफ सीम्स टू बी कन्फ्यूज एंड अ कन्फ्यूज पर्सन पीप समन कैन नॉट मेक देयर माइंड वो थोड़े से जो है ना रिस्की हो जाते हैं बिकॉज़ वो फिर एक साइकिल बार बार चलती है बार बार इफ इफ वॉटिफ इफ में रहते हैं अब उस इफ वाटिफ इफ में आपका टाइम ज़ाया हो रहा है ज़िंदगी एक बार मिलती है और जवानी तो वैसी ज़िंदगी चार दिन की है जिसमें से डेढ़ दिन जवानी के ठीक है अब जवानी से लोग समझते हैं जी फन करना इंजॉय करना यॉट पार्टीज़ करना और शैम्पेन उड़ाना नहीं दैट मीन्स टू बी इन योर बेस्ट एबिलिटी टू बी इन योर बेस्ट शेप टू बी इन योर बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ राइट बचपन में हमारे कंट्रोल नहीं होता ना पॉट पिछली पॉडी का कंट्रोल नहीं होता और क्या कंट्रोल होगा मगर जवानी वो ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपके पास हर डिसीजन मेकिंग का यू रेडी फॉर लाइफ बेसिकली राइट और बहुत छोटा सा स्पैन होता है बीस साल यूँ गुजरते हैं पता नहीं चलता यार आई स्टार्ट माई आई स्टार्ट वर्किंग इन टू थाउजेंड टू आ गया है दो हफ्ते बाद ट्वेंटी ईयर्स मैन मुझे नहीं पता कहाँ गए ये भी कहाँ गए मुझे नहीं पता राइट सो सो ये इफ वॉटिफ इफ वाली जो होती हैं होती हैं या होते हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ वो जो है ना वो फिर वो एक लूप में चलते रहते हैं दिल गेट बैक टू यू नहीं एवरी थिंग्स फाइन वो एक क्लटर था जहन में निकाल दिया नाउ गोना बी विद यू गोना हैव द लाइफ टुगेदर फिर वो कर रहे हैं कर रहे हैं, कर रहे हैं फिर वो एक पाँच महीने छः महीने की साइकिल चली उसके बाद बट यार आर इफ आई वॉज विद दैट गाय लाइफ वुड बिन वेरी डिफरेंट फिर ऐसे लोग ना वो फिर हर जगह इफ ही कर रहे होते हैं कि वो फिर वहाँ जाते फिर कहते नहीं यार वो ज़्यादा अच्छा था अब इस आदमी से मेरी रिलेशनशिप ऑफिस टू ऑफिस रही है आई हैव लिव विद दिस पर्सन वॉट इफ दैट पर्सन इज़ वेरी हॉरेबल टू लिव विद वाट इफ ही टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस एंड देन फिर उनको आप याद आने लग जाए यार ये या अच्छा था मेरा हाथ भी बटाता था ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता था कोलेबरेट करता था घर में काम काज में सपोर्ट करता था यह बहुत सारी चीज़ें यू नो सो फिर वो इफ वाटिफ इफ में रहते हैं उसमें भी ना फिर आपका टाइम ज़ाया हो रहा है तो फिर एक बार हो गया ठीक है पीपल मेक मिस्टेक्स पीपल डिवेलप फीलिंग्स इंसान ही है देखो आप जितनी भी मोहब्बत में हो चेकआउट सब करते हैं मार्केट में जाते हैं मॉल में जाते हैं नजरें सबकी इधर उधर जाती हैं मर्द की भी जाती है, हैं खातीन की भी जाती हैं इट्स नेचुरल इट्स नेचुरल टू अब्जर्व समन और बी एनाम बाय सम अपेरेंस और समन ब्यूटी और समन्स टिनेस और समवंस ह्यूमर ह्यूमर बड़ा काम आता है भाई वरना इस शक्ल पे कौन आता सो <laughs> मजा so, करो सो इट्स 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 ओनली नेचुरल मगर वो देखो वो मोमेंटेली मोमेंटेरिली कितने प्यार होते हैं सिग्नल पे आप खड़े हैं गाड़ी में रिक्शे में बराबर में एक ऐसा एंगल बना कि लड़की से आपकी आय कॉन्टैक्ट हो गया एंड देन इट हैपेन्ड अगेन एंड हैपेड अगेन और एक इंस्टेंट लव हुआ यू यू फेल्ट स्पार्ट केयर ओके दैट पर्सन इज अमेजिंग और उसको आपके साथ फील हुआ लेकिन वो तीस सेकेंड का था फिर वो ग्रीन हो गया और रिक्शा वॉल्टन रोड निकल गया और आप कहीं और निकल गए समझ रहे ना वो मोमेंटरी प्यार होते रहते हैं ज़िंदगी में वो एक अलग चीज़ है आ, थोड़ी सी फीलिंग होती है और फिर यू बैक टू योर रियलिटी वो वो एक ड्रीम स्टेट होती है छोटा सा ख्वाब आया फिर आप वापस लाइफ में आ गए राइट मगर जहाँ पे फिर ये हो जाए ना कि व्हेन पीपल मेक अप देयर माइंड्स एंड लाइक आई सेड पीपल फॉल अपार्ट हो जाता है यार नहीं समझ आ रहा मे बी वी वर गुड एज फ्रेंड्स वी वर मच रिस्पेक्टफुल जब तक हम डिस्टेंस में थे हम साथ रह ही नहीं सकते बहुत से लोग होते हैं आपने देखा होगा बहुत से कपल्स होते हैं दे स्पलिट बट दे एंड बिकमिंग बेटर फ्रेंड्स बिकॉज वो ये समझते हैं कि यार हम दोस्ती से स्टार्ट होते हैं ना अब रिलेशनशिप तो बाद में आती है और फिर वेन इट डजेंट वर्कआउट फॉर द सेक ऑफ किड्स सम कपल्स डिसाइड टू स्टेज फ्रेंड्स दे मीट दे गो फॉर डिनर बच्चे को लेके जाना ये जाना बच्चा तो है आपकी रिलेशन में सबसे चीज है आपका बच्चा नहीं है वरना बच्चा सफ़र करता और फिर बहुत सी मैरिजेज रुकी ही इस वजह से होती क्योंकि बच्चा हुआ हुआ है अब छोड़ नहीं सकते वो एक और गाना था ब्लिक वन एटी टू का Stay टूगेदर फॉर द किड्स नहीं ब्लिंक वन एटी टू का किसका था एनी anyway, वे गाना गाने का नाम ये था तो मुझे वहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझ आया दो हज़ार में आया था एम टी डेज सो so ये भी होता है लोग ज़बरदस्ती रह रहे होते हैं एंड देन उसमें वो फिर मिजरेबल लाइफ होती है उसमें यू डोंट वॉन्ट बी विद दिस पर्सन बट यू हैव टू बी वांट टू और हैव टू में बड़ा फर्क है ठीक है अभी आपके पास हैव टू वाला सिचुएशन नहीं है वॉन्ट टू तो वाला है वॉन्ट है तो है नहीं है तो नहीं है इफ़ शी डजन वॉन्ट दैट्स फाइन ठीक है लेटर गो एंड रिस्पेक्ट करें उनके डिसीशन की मे बी शी फाउंड सम डिफरेंट एलिमेंट इन दैट का है अब मसला ये है ना हमें 21, 22 में जो मिला, हमने समझा यही तो भी मिल सकता था मैरिज है जो ना बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट uh, होता है कि आप एक बार डिसीजन ले, ले, ले कि यार अब ये है तो यही है जहां आपने ये रूम छोड़ा ना यार बट लाइक मुझे ना बॉडी टाइप ये वाली पसंद थी अबे यार काश में ये कर वो फिर काश वाली सिचुएशन कभी खत्म नहीं होती जब आप वो अटेन करेंगे उसकी वैल्यू कम होगी अब जैसे लोग ऐश्वर्या ऐश्वर्या कहते हैं ऐश्वर्या हमारे लिए ऐश्वर्या अभिषेक के लिए थोड़ी है उसके लिए तो बीवी हैज इट ट्वाइस एट डिफरेंट ओकेजन आई थिंक टाइम टू लेटर गो एंड ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ योर ओन हैप्पीनेस यू डिजर्व वेल खाली उनकी हैप्पीनेस थोड़ी देखनी अब आपकी हैप्पीनेस इसमें थोड़ी है कि यू यू लिविंग विद सम वन विद होम यू आर फोर्स टू लिव विद बिकॉज पेरेंट्स को नहीं समझ आएगा दोस्तों को कैसे समझाएंगे तो अब हम साथ रह है रहे हैं नहीं भाई वही वाली बात है ना जवानी वाली विंडो बहुत छोटी है यू नीड टू लेट हर गो टेक अ लॉन्ग वेकेशन गो समवेयर डी क्लटर ठीक है बी हैप्पी दैट यूर आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन स्टेट वेयर इन आपके पार्टनर को पता ही नहीं यहाँ रहना है या वहाँ रहना है ठीक है वो एक आप रिसाइकल बिन से भी ना वो शिफ्ट डिलीट मारें स्टार्ट अ न्यू लाइफ स्टार्ट अ न्यू फेस गो आउट मीट पीपल इफ यू वॉन्ट बी विथ समन स्टार्ट डेटिंग सी समन लाइक यू नो लाइफ अपनी जिये यार uh, इसको इस तरह वो फिर आप अगर वो फिर वो मान गई वो छः महीने बाद शी माइड बी देर बिकॉज देर इज अ रूम देर इज़ अ वॉइड वो होता है लोगों की जिंदगी में दूसरे लोग क्यों आते हैं बिकॉज जो उस वक्त जिंदगी में होते हैं वो कोई वॉइड छोड़ देते हैं जो फिर कोई और आके फील कर देता है मेटाफॉरिकली बात कर रहा हूँ मैं अब वो वॉइड फ़िज़िकल हो सकता है वो वॉइड इमोशनल हो सकता है वो वॉइड कानवर्जेसन्म में हो सकता है बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि लाइक यार इंटरेस्टिंग कानवर्जेसन नहीं होती हमारी तो वो कानवर्जेसन सीख करने कहीं और चले जाते हैं बहुत सारे बोलते हैं यार सेक्स मज़े का नहीं है तो वो सेक्स सीख करने कहीं और चले जाते हैं बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार आ, <laughs> कि आई डोंट कनेक्ट हमारे टेस्ट बड़े डिफरेंट हैं वो कहती है जगजीत लगाओ गाड़ी में मैं मिटालिका सुनने वाला आदमी तो फिर वो मिटालिका सुनने वाली के पास आयरन मेडल सुनने वाली के पास ज़्यादा फील करता है एट होम सो वो वॉयड किसी भी किस्म का हो सकता है सो so, जहाँ पे किसी ने किसी को आ, कोई मिला तो दैट मीन्स दे वॉज अ वॉयड टू बिगेन विद अब उसमें खुद भी इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है कि वॉट इफ़ आई वॉज मे बी आई वॉज नॉट फुलफिलिंग इनफ फाइनेशली फ़िजिकली इमोशनली वगैरह वगैरह और उसमें इंट्रोस्पेक्ट करना भी जरूरी बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू मेक द सेम मिस्टेक्स विद अनदर पर्सन राइट ना इफ यू इफ यू आर डूंग समथिंग जिसकी वजह से ये हुआ है फिर कोई और आएगा वहाँ पर भी यही होगा एंड देन दे विल फाइंड सम वन एय एंड देन यू विल बी इन द लिम्बो स्टेड लाइक् बैक टू स्क्र वन यू डोंट वॉन्ट दैट आई दर्ट सो यू ऑल्सो हैव नीड टू इंट्रोस्पेक्ट के सो फीडबैक लेंट ठीक है यू वॉन्ट गो इट्स ओके फाइन आई रिस्पेक्ट यू वी बेट टूगैदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई स्टिल रिस्पेक्ट यू एज अ फ्रेंड एंड आई रिस्पेक्ट योर विशेज और uh, मगर मुझे भी फीडबैक दो सो दैट आई डोंट रिपीट दैट मिस्टेक और फिर आप भी उनको दें कि इन एरियाज़ में तुम तो अच्छी थी स्टे दैट वे मगर बट देन ऊपर सब्जेक्टिव हो जाता है पर्सन टू पर्सन वो करता है मगर लाइक दूसरी चीज़ें ओवरऑल uh, वाइब आपकी ये अच्छी है तो इसको ऐसे रखें आपका गुस्सा ज़्यादा है उसको थोड़ा सा कम करें मे बी ही नाइट ही माइट नॉट लाइक इट आई दर जिस तरह मुझे मेरी गुस्सा आपका या डोमिनसी नहीं पसंद है यू नो समथिंग समथिंग सो या मैन अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा यू नो पीपल फॉलो अपार्ट दे ब्रेक दैट्स लाइफ सो हो जाता है इट्स ओके लाइफ लाइफ दिस व लाइफ इज मैन वो एक हैंक uh, मूडी का एक कोर्ड है ना इन अ वर्ल्ड ऑफ लोटस ईटर्स टाइम प्लेस ट्रिक्स ऑन यू One day you're dreaming, the next your dream has become your reality. It was the best of times if only someone had told me. Mistakes were made, hearts were broken, harsh lessons learned. So, like she won't always love me no matter what. So just like, huh, my wife goes on without me while I drown myself in a sea of pointless pussy. She won't. Uh, ऑलवेज लव मी नो मैटर वॉट मैं बीच में एक दो लाइन्स मिस कर रहा हूँ कैलिफोर्निकेशन की सीरीज थी उसका कैरेक्टर था हैंक मोडी और एक था कि इज़ अ देट एक फिल्म है सवन लाइक यू एशले जर्ड है उसमें और वो वुलवरिन का नाम क्या है मैं सोच के ही आगे जाऊँगा मैं ऐसे नहीं जाऊँगा वुलवरिन का नाम क्या है ह्यू जैकमैन सो यू जैकमैन और एश्ले जर्ड की एक बड़ी सी यू नो स्लैपस्टिक कॉमेडी टाइप की मूवी है Uh, तो उसमें यही है कि लाइक वन ऑफ द सैडेस्ट थिंग उसमें ये होता है कि लाइक सम वन अप विद एशली जर्ड एंड देन ही इज़ लिविंग द रेस्टोरेंट एंड देन शी सेज दिस वो वॉइस ओवर आता है एक बहुत अच्छा डायलॉग है इट सेज दर आर फार मोर सैडर थिंग्स इन लाइफ देन वॉचिंग सम वन वॉक अवे फ्रॉम यू आफ्टर देव जस्ट लेफ्ट यू एंड द डिस्टेंस बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एंड देर इज नथिंग लेफ्ट बट साइलेंस एंड एम्प्ट इट्स वेरी हार्ड ब्रेकिंग सीन जरूर देखिएगा सो इट्स नॉट गी ईजी फॉर यू टू लेटर गो लाइक दिस बट देन फॉर द सेक ऑफ़ हर हैप्पीनेस एंड फॉर द सेक ऑफ योर हैप्पीनेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नाव देर इज अ थर्ड पर्सन इन द मैरिज और ये गाड़ी ऐसी है शादी की ये तीन लोगों के साथ चली नहीं सकती चाहे आप डायाना ही क्यों ना हो उसकी भी नहीं चल पाई थी सो लर्न टू लेटर गो स्टे वेर व्यू आ खुश जहाँ रहें खुश रहें और वही वाली बात ना वो क्या है एक 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 मीम था ना कि अगर कोई बाहर लाइक इफ़ यूर डेटिंग एन अमेरिकन गर्ल एंड इफ़ शी टेक्स यू और आपने जवाब नहीं दिया तो उसका फिर 20 मिनट बाद है आई एम सॉरी यू मस्ट बी बिजी विद वर्क आई आल स्पीक टू यू सून लव यू यही पाकिस्तानी लड़की का टेक्स्ट आया और आपने 20 मिनट जवाब नहीं दिया फिर आता है जहाँ रहो खुश रहो आबाद रहो मेरी यादें मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेगी सोया मैन दुआ दे के आगे करें और आप भी आगे जाएं जिंदगी में बस जिंदगी बहुत बड़ी है यार देर आर लाइक सेवन बिलियन पीपल सो मैनी पीपल टू मीट सो मैनी रिलेशनशिप्स टू बी मेड सो मैनी फ्रेंडशिप्स टू बी मेड सो मैनी प्लेस टू बी सो या गुड लक मैन सो दै वॉज एपिसोड ऑफ़ टुडे मैंने एक सवाल और इंक्लूड करना था बट आई थिंक मैं कोई 45 50 मिनट ऊपर हो गए सो so, आज वाले सवाल अच्छे थे और काफ़ी डिटेल्ड उनका बनता था सो so, अगर आपके भी कुछ सवाल हो जरूर भेजिएगा कोशिश मेरी होती है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करूँ बट मैं बहुत पीछे जा रहा हूँ 5000 हज़ार ई मेल्स अब तक हो चुकी हैं जमा एंड आई ट्राई टू अच्छा मैं सारे ऑन uh, स्क्रीन नहीं देता uh, मैं बहुत सारे जवाब ई मेल पे ही दे देता हूँ जिनका मुझे लगता है कि यहाँ पे जब सवाल हो सकता है तो ताकि ये कि एक तो रेपिटेशन मैं नहीं चाहता क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स मिलती जुलती होती हैं वो मैं बात कर चुका हूँ लेकिन उनके अपने परस्पेक्टिव से मैं उनको ई मेल पे भी जवाब दे देता तो हूँ मेरी वो भी बड़ी कोशिश रहती है बट इज ओनली सो मच आई कैन डू एक आदमी हूँ दो हाथ हैं मेरे सो माफ़ कीजिएगा वैल ट्राई मे बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ़ यू कम दिस फार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा और पेट्रियन पर आप सपोर्ट करना चाहें तो patreon.com/kanjiswag. कॉम स्लाश कर जी स्वागत थैंक यू सो मच सी यू ऑन थर्सडे बाय